हिम्मत कैसे हुई मेरे ध्यान को भंग करने की? माफ कीजिएगा कालपरी जी, मैं तो आपको शाबाशी देने आया था। देखिए ना आप इतना काम करती है, कोई दो मिनट बोल नहीं बोलता आपके लिए। अरे छोड़ दीजिए मेरा गला, छोड़ दीजिए। अब ये गला छोड़ूंगी नहीं, काट के रख दूंगी। कालपरी जी टूट गई, पर गर्दन तो सलामत है। माफ कीजिएगा कालपरी, माफ कीजिएगा। अब मैं आगे से आई। कोई बात नहीं। वैसे भी माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। अभी अभी गला काटने की बात कर रही थी, अचानक अच्छाई की देवी कैसे बन गई? इससे पहले इसका दिमाग फिर से बदल जाए, भाग ले तो भाग। क्या हो गया था मुझे? अचानक से इतनी अच्छाई कैसे आ गई थी दिल में? शौर्य, तिमनासा पृथ्वी पर है और अब तो विवान के स्कूल तक पहुंच गई है। मुझे लगता है अब हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, बालवीर परिक्रमा बीच में नहीं छोड़ सकता और जब तक 7 दिनों की परिक्रमा पूरी नहीं होती मैं भी यहां से नहीं हट सकता। विवान पर नजर रखो और पता लगाओ कि काल लोक की शक्तियां किस मकसद से पहुंची हैं नीचे। ठीक है शौर्य। ओए कैंटीन वाले, आइसक्रीम ठंडी है ना? ठंडी इसलिए तो आइसक्रीम है। ओए ज़रा स्मार्ट मत बन। चल जल्दी बता, 0 1 2 3 कितना होता है? बहुत खूब, बहुत जल्द ये बच्चे बुराई के रास्ते पर इतने आगे निकल जाएंगे कि इनका वापस आना नामुमकिन होगा। ए मेरा चिप्स! नन्ही उंगली की कसम, शैतान मंडली देखकर तो आंखों में वो आ रहा है खुशी के। कलोरा यंत्र की शक्तियां वापस मेरे पास आ गई हैं। अब देखती हूं कि विवान मुझसे कैसे बचेगा। ए चिंटू चल हट यहाँ से, ये मेरी जगह है। ये तेरी जगह कैसे हो गई गोपू? ए चिंटू, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना उससे 10 कदम आगे और पीछे सिर्फ मेरी जगह है। अच्छा हाँ, ले मैं तेरी जगह पे और 2 कदम अंदर आ गई, क्या कर लेगा? ए गोपू, घूर क्या रहा है? ए मेरे जूते खराब कर दिए तुम लोगों ने। तेरे जूते तो पहले से ही खराब थे, तेरी शक्ल की तरह। घूर क्या रहा है? कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे। हट। क्या हो गया इन सबको? बेवजह की बात पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं ये सब? अरे रुको रुको, बस करो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? बंद करो लट्टा, तुम्हारे पीछे मत लगो। ही हो क्या रहा है? प्रिंसिपल मैम इन्हें रोक क्यों नहीं रही? मैम नहीं रोक रही तो क्या हुआ? तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ जरूर कोई परी थी। आज का दिन बहुत गड़बड़ घोटाला था। प्रिंसिपल मैडम उल्टी सुल्टी बातें सिखा रही थी, स्टूडेंट्स बेवजह की बातों पर लड़ रहे थे। वायु परी मुझे अचानक घर ले आई। क्यों? खुशी बेटा, छेड़ा की दुकान से दही ले आएगी। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, अब घर का सारा काम मुझसे क्यों कराते हो? क्या कहा तूने? वो दीदी भी होमवर्क करिए ना, तो दही मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मैंने कहा कि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। ये तो कैसी बातें कर रही है खुशी? अब मैं ऐसे ही बोलूंगी। अगर आपको बुरा लगता है या गुस्सा आते तो अपने सिर पे पानी डाल लो। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, लेकिन वो सुबह मुझे क्यों नहला रहे हो? मैं तो सुबह नहा चुका हूँ। और ये जग मुझ पे किसने फेंका? वो मैंने फेंका। और अब नॉनस्टॉप इतना मत बोला कीजिए, सिर दुखता है मेरा। आपसे एक सवाल पूछो, 20 जवाब देते हो। खुशी आज इतना नाखुश क्यों है? दादाजी मेरे यकीन मानिए, दीदी जरूर प्रैंक कर रही होगी। अभी वो वापस लौट के हंसेगी और फिर हम सब मिलकर हंसेंगे। जा बेटा, तौलिया लेकर आ। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, मुझे फॉरेन पार्टनर को बताना होगा। अब खुशी ने तो सिर्फ जग ही नहीं, खाना भी फेंक दिया। क्या? पता है माजी सूची, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा पानी की बर्बादी नहीं करते, तो उसने पानी की टाकी तोड़ दी। हाँ हाँ। अरे करुणा जी, हम क्या बताएं, हमारे चिंटू चिंटी हमारे दुबई से लाए हुए सारे गहने चोरी करने लगे, और जब हमने डांट लगाई तो कहने लगे घर छोड़ के चले जाएंगे। बताइए। और मेरे गोपू ने क्या किया पता है? गोपू ने तो अपने पप्पा की मनपसंद लाल कमीज को ही जला डाला। बोलो। अरे लेकिन बोलो नहीं, सुनो, सवाल ये उठता है कि सारे के सारे बच्चे इतनी बदमाशी क्यों कर रहे हैं? हाँ। कहीं ये लोग किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गए? पर करुणा जी, हमारे बच्चे तो भारत नगर के सारे बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं, और बाहर से तो एक भी बच्चा नहीं आया, तो फिर बुरी संगत कहाँ से आई? नक्की हमारे बच्चे ये बुरी से कहीं बाहर से लेकर आए हैं। हाँ। नहीं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चाहे कितनी भी बुरी सीख क्यों ना ले आए हमारे बच्चे बाहर से, हम अपने बच्चों को अपने प्यार से सही रास्ते पर ले ही आएंगे। ये तो शहर के हर स्कूल, हर मोहल्ले में हो रहा है। ये सारे बच्चे अचानक से इतने बदतमीज क्यों हो गए? ये जरूर उस तिमनासा की चाल है, वही इन बच्चों को गलत रास्ते पर भटका रही है। पर कैसे? हमें तिमनासा को जल्द से जल्द ढूंढकर रोकना चाहिए। तुम सही कह रही हो वाई परी, लेकिन उससे पहले हमें विवान को महफूज रखना होगा, क्योंकि तिमनासा जो कुछ भी करती है वो बालवीर को हराने के लिए करती है। चलो परियो। हाँ चलो। दीदी किस चीज से गुस्सा हो? मैंने कोई गलती की क्या? आखिर हो क्या गया आपको? आपने मम्मी को अभी तक सॉरी भी नहीं बोला। इतनी शरारत तो मैंने पूरे साल में नहीं की, इतनी भयंकर बात अपने एक दिन में बोल डाली है। विवान सिर मत खा, दांत तोड़ दूंगी। तुम्हें बुराई के रास्ते पर नहीं ला पाई तो क्या, बुराई का रास्ता खुद चलकर तुम्हारे घर आ गया है विवान। जरूर इन परियों ने अपना कवच लगाया होगा। बस थोड़ी देर और फिर कलोरा यंत्र की सारी काली शक्तियां विमान के अंदर होंगी और उसकी अच्छाई की कभी सुबह नहीं हो पाएगी, सिर्फ बुराई की काली रात होगी। तिमनासा, तुम विवान पर इतनी आसानी से हमला कर सकती हो? विवान को जो चोट पहुंचाने का इरादा है ना तुम्हारा, उस इरादे पर हम पानी फेर देंगे। तुम जिस काल लोक से आई हो ना, उसी जगह पर तुम्हें तिनके की तरह उड़ाकर वापस भेज देंगे। हार मान लो तिमनासा, तुम हम चारों का एक साथ सामना नहीं कर सकती। तुम होंगी सारी परियां वीरलोक से, लेकिन मेरे सामने तुम लोगों की औकात से छोटी छोटी तितलियों की तरह है, रंग बिरंगी तितलियां जिन्हें अब मैं मसल के फेंकूंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ गई तिमनासा? वो लौट कर आए उससे पहले हमें विवान को वीरलोक ले जाना होगा। हाँ मम्मी, थोड़ी देर और सोने दो ना। सपने में भी वीरलोक के दिखाई दे रहा। विवान, ये सपना नहीं है। मस्ती पर आप? अरे आप मेरे सपने में भी पीछा कर रहे हो। अब सपने में कौन सी शरारत करूंगा मैं। ये सपना नहीं है विवान। शेर सर, एक मिनट नीचे उतारो। शेर सर, आप है तो ये सपना हो ही नहीं सकता। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, सब ठीक तो है ना? आप लोग थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं। पर मुझे नींद में से उठाकर यहाँ क्यों लाया गया? कहीं मैंने सपने में कुछ शरारत तो नहीं कर दी ना? शौर्य, अब हमें लगता है इसे सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? एक मिनट, अगर आप लोग मेरी फिर से कोई परीक्षा लेने वाले हो तो आप लोगों को मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में जो नए प्रिंसिपल मैम आई है ना, उन्होंने सब स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स लाने के लिए कहा है। विवान, वो प्रिंसिपल नहीं, कोई और है। कोई और मतलब कौन है? काल लोक की भैरानी तिमनासा। काल लोक? ये कौन सी जगह है? ये है काल लोक, और वहां की रानी तिमनासा और उसके सिपाही। इसका मतलब वो छोटी हेड वाले अंकल और वो लंबे वाले डरावने अंकल और वो बिना बाल वाले अंकल, वो सब काल लोक से हैं। और जो हमारी नई प्रिंसिपल है वो दरअसल में तिमनासा है, काल लोक की भैरानी। कालपरी, तिमनासा, तुमने अपनी शक्तियों से मेरी बहुत मदद की है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तुम्हें। काल लोक की सेवा करना मेरा फर्ज है। सेवा तो ठीक है कालपरी, लेकिन तुम्हारी दी हुई शक्ति उससे मेरा काम नहीं बन पाया। जो काम पूरा होना था वो भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियाँ बढ़ाओ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का कतरा कतरा लगा दोगी मेरी मदद करने के लिए। उसी विश्वास के लिए मैं अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भैरानी, इस कालपरी के दिमाग में कुछ अगड़म बगड़म हो गया है। ये पल में शोला और पल में शबनम जैसी हरकत कर रही है। नहीं, इसने मेरी गर्दन पर चाकू लगाया था। चाकू! खबरदार, मुझसे बच के रहना। तौबा तौबा, वरना इस बार तो वो चाकू आर पार हो जाएगा। इसकी बात पर बुरा मत मानना कालपरी, बड़ बोला है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों से पता लगाओ कि इस वक्त वीरलोक में क्या चल रहा है। वीरलोक में सब लोग हैं, परिया, शौर्य, विवान, लेकिन ये बालवीर कहाँ है? कसम, ये बालवीर वीरलोक की वो क्यों कर रहा है परिक्रमा? अब बालवीर क्यों ये परिक्रमा कर रहा है? क्या है उसकी अगली चाल? अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया है। लेकिन शौर्य, सवाल ये उठता है कि तिम्नासा की शक्तियाँ पृथ्वी पर काम कैसे कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी के चारों तरफ बालवीर का सुरक्षा कवच उन लोगों ने तोड़ दिया हो? नहीं मस्ती परी, सुरक्षा कवच अभी भी लगा हुआ है। तिम्नासा को ये शक्तियाँ बालपरी से मिल रही हैं। इसका मतलब अगर हमने कलोरा यंत्र को नष्ट कर दिया तो तिम्नासा पृथ्वी पर बच्चों को बुरी राह पर नहीं ले जा सकती। इसमें फिक्र करने की क्या बात है शेर सर? जैसा कि आपने बताया कि पार्टनर 7 दिनों तक परिक्रमा में बिजी है, तब तक मैं जाकर उस कलोरा यंत्र को बर्बाद कर देता हूँ ना।